उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और नई दुनिया का महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर कुछ बेसिक तथ्य हम लोगों ने किए थे, जिनमें देशों के बारे में बताया था और देशों के बारे में बाद में, और उत्तरी अमेरिका के आसपास में कौन सी संधियां लगती है इसके अलावा, और कौन सी ऐसे क्षेत्र है जो अन्य महाद्वीपों से और महासागरों से इसको अलग करते हैं, उन सभी क्षेत्रों की बात की थी, सब तथ्यों की बात की थी। इसके बाद अपना जो मुख्य बातें रहती है वो तो नदी की बात है। नदी के बाद प्रमुख यहाँ के पर्वत है। देखो, नदी की यदि बात करें सिर्फ दो ही नदी यहाँ पर मुख्य आती है। एक नदी का नाम है मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी इस नदी का नाम है। एक्चुअली में क्या है कि ये दो अलग अलग नदियां हैं, वो बाद की बात है, पहले बड़े स्तर पे बात करते हैं। दो नदियां, एक का नाम हडसन और दूसरी का नाम है मिसिसिपी मिसोरी। पर्वत यहां मुख्य रूप से तीन है। एक पर्वत का नाम है रॉकी, दूसरे पर्वत का नाम है अपलेशियन और तीसरे पर्वत का नाम है अलास्का। ध्यान रहे, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अपलेशियन का भी नाम देगा, अपलेशियन का नाम हो गया, आल्पस का भी नाम देगा, क्योंकि ये सब मिलते जुलते शब्द है, ये आल्पस, अलास्का, अपलेशियन, इस प्रकार से। तो ध्यान रहे, ये तीन पर्वत तो स्टार्टिंग के या तो आते हैं उत्तरी अमेरिका में, ये तीन तो आएंगे यहाँ उत्तरी अमेरिका में। और रही बात आल्पस की, बात इनकी बात में पहले भी कवर कर चुका हूँ, पहले बार पार्ट में अच्छी तरह बताया है, ट्रिक से बताया कि आल्पस यूरोप में कैसे आएगा और ये अलास्का अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में कैसे आएंगे। अब इनकी दोबारा भी बात कर लेते हैं। अब इन पर्वत और नदियों के बारे में बात है, मान लेते हैं ये अपना इस प्रकार से हो जाता है, उत्तरी अमेरिका का भाग इस प्रकार से फैला हुआ पूरा पूरा ये पोर्शन है, ये इस प्रकार से मान लेते हैं, और यहाँ ये ग्रीनलैंड का भाग आता है इस प्रकार से मान लिया। इस क्षेत्र में यहाँ एक देश लगा, इसका नाम है यूएसए, यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ एक देश, इस देश का नाम है कनाडा। देखो, यदि आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ना है तो इसमें आप सिर्फ तीन देश के बारे में ढंग से पढ़ लेना। एक तो सबसे पहले कनाडा, नंबर दो यहाँ का देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरा जो यहाँ मुख्य देश इसका नाम है मेक्सिको। सिर्फ तीन ही देश यहाँ मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के फेमस है, बाकी बड़े स्तर पे फेमस नहीं है। कैसे वो आप देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। कैसे, पहले रूस की बात की, रूस का क्षेत्रफल 170 लाख वर्ग किलोमीटर था, तो आप कनाडा का देखो 99 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कनाडा का विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा ये देश है कनाडा, वो आएगा यहाँ। अब इस कनाडा देश की दो एक बातें हो रहती है कनाडा के अंदर। एक तो हमारे पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक कागज उद्योग जो विकसित है या कागज का उत्पादन करता है, देखो चाइना का भी नाम अग्रणी है, और पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर बात की जाए तो यहाँ कनाडा का नाम, देखो ऐसे याद कर लो कैसे कागज और कैसे कनाडा। इसके जस्ट बाद यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का नाम काफ़ी तरीके से अग्रणी है। एक तो विस्तार, गेहूं विस्तार के लिए, नदियों के लिए, और यहाँ पर जो मैदान है घास के मैदान, बड़े फेमस मैदान है यूएसए के अंदर। घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है, यहाँ पर प्रेरी कहा जाता है। देखो प्राचीन काल में यहाँ जनजातीय लोग रहा करते थे, प्राचीनतम जनजातियाँ मिली थी, ये एक मान्यता मिलती है। कहते हैं कि जब 1492 के अंदर जब कोलंबस ने खोज की थी उत्तरी अमेरिका की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जनजाति मिली है जिसे इंडो ग्रीक या इसको इंडियन जनजाति भी कहा जाता है, नील इंडियन भी कहा जाता है इनको। कहते हैं वो जनजाति यहाँ कैसे आई, उनका मार्ग पूर्वजों ने ये माना है, हमारे जो इतिहासकार हैं पूर्वज वो बोलते हैं कि वो उत्तरी मार्ग से जरूर रूस वाला जो एरिया है साइबेरिया का भाग, उस भाग से कनाडा क्षेत्र में प्रवेश करे, यहाँ इस प्रकार पाए जाते हैं वो लोग। यहाँ एक मछली पाई जाती है, उस मछली को खाते हैं, उसी के हड्डियों का सारा प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन के अंदर। और इनके जो घर होते हैं, ये जरूर याद कर लेना, इनके घर को इग्लू कहा जाता है, इनको इग्लू कहा जाता है घर के इनको। और यहाँ पर मैदानों को, शीतोष्ण जो मैदान है उन मैदानों को प्रेरी या प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ये बात आपकी कंप्लीट साथ के साथ। अच्छा, कनाडा की बात होगी, यूएसए की बात होगी, अब है मेक्सिको। मेक्सिको सिटी भी फेमस है। देखो यूएसए क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र है मक्का के लिए फेमस है, यूएसए में मक्का अधिक होता है और मेक्सिको में यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है, ये गेहूँ के लिए फेमस माना गया, गेहूँ का कटोरा कहलाता है।
पास में यह एक क्षेत्र पड़ता है क्यूबा के नाम से, एक देश है क्यूबा। क्यूबा के अंदर गन्ना अधिक उत्पादन होता है। गन्ना मूल रूप से भारत का पौधा है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान क्यूबा का आता है। और यदि गन्ना होगा तो यहाँ खूब सारी चीनी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा को यहाँ ये दक्षिण उत्तरी अमेरिका के साउथ में यहाँ पड़ता है, ये इस साइड में, इसका नाम क्यूबा है। अब यहाँ प्रमुख तीन पर्वत, इन तीन पर्वतों में, यहाँ आपको तीन पर्वत बताए, सबसे मुख्य पर्वत, पर्वत का नाम रॉकी, दूसरा पर्वत, पर्वत का नाम है अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत के बाद यदि बात करते हैं तो आएगा यहां पर आल्पस, नहीं करना आल्पस यूरोप में चला जाएगा, अलास्का। ये तीन नाम याद रखने जरूरी, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताया था हमारे भारत के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत की तुलना की जाती है अपलेशियन से। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका इसका, ऐसे अरावली और ऐसे ऐसे अपलेशियन। अब आप कहोगे ऐसे तो अलास्का भी बनता है, देखो अलास्का इसका कोई सिस्टम नहीं है, ये शॉर्ट शब्द है तो इसको आप छोड़ दो, और अलास्का को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अलास्का का नाम नहीं देगा, वो आपको जरूर देगा आल्पस पर्वत का नाम। तो आप ऐसे याद कर लेना, ऐसे अरावली, ऐसे अरावली, ऐसे अपलेशियन, ऐसे अमेरिका, ये अमेरिका में फैला हुआ पर्वत है, और अपलेशियन है ये, इससे तुलना अरावली की जाती है। वो कैसे, अपलेशियन पर्वत का विस्तार इस प्रकार माना गया है, यहां यूएसए के अंदर दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, और इसके दिशा विस्तार के आधार पर तुलना की जाती है अपलेशियन की अरावली के साथ। तो अपने ये कह सकते हैं अरावली पर्वत की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस पर्वत से की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, अपलेशियन पर्वत बोलोगे। तो इस प्रकार इसका जिक्र आता है। अच्छा, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत, तो आप सीधा बोलोगे हिमालय। यदि वो नवीनतम के आगे एक शब्द नया लगाता है, वल्लित, दुनिया का सबसे नया वल्लित पर्वत कौन सा है, वल्लित की बात कर दें तो वल्लित रॉकी पर्वत आएगा। रॉकी पर्वत का विस्तार भी यहां जाएगा, यूएसए और कनाडा के अंदर आएगा रॉकी पर्वत का विस्तार, अलास्का के साउथ में यहां जाएगा। तो इतनी बात ध्यान रखनी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ तीन ही प्रमुख पर्वत है, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, अलास्का पर्वत, और ये दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत माना गया वल्लित श्रृंखला। और एशिया महाद्वीप के अंदर हिमालय पर्वत सबसे नया पर्वत आता है, ये वल्लित की बात छोड़ दिया जाए, सीधी बात करें तो नया पर्वत हिमालय होगा, इसलिए हिमालय पर्वत की तुलना किस पर्वत से की जाती है, रॉकी पर्वत से की जाती है। एशिया महाद्वीप के हिमालय पर्वत की तुलना रॉकी पर्वत से है, जबकि भारत के अरावली पर्वत से तुलना या अपलेशियन पर्वत की किन्नत किस पर्वत से होती, तो आप अरावली की बात इसके अंदर कर दोगे, इतनी इसके अंदर विशेष बात आती है। बात कंप्लीट, इसके बाद ये अलग है आल्पस, इसको पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप में, ये यूरोप के अंदर आता है आल्पस, इस प्रकार से ये मुख्य पर्वत है। अब यहां नदी है, यूएसए से निकलती है, यहां इन पर्वतों से निकल रही है, यूएसए से निकलती है, नदी का नाम मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी का उद्गम कैसे हुआ अभी दिखाते हैं आपको। पहले ये नाम देखो, बड़े अजीब नाम होते हैं, मिसिसिपी मिसिसिपी मिसौरी, ये दो अलग अलग धाराएं हैं और दोनों सम्मिलित रूप से मिसिसिपी मिसौरी कहलाते हैं। लगभग 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है, लंबाई के अंदर थोड़ा बहुत आंकड़े में डिफरेंस होती है, तो यहाँ आपको किसी प्रकार की विवाद विरोधने की आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप करोगे मिसिसिपी मिसौरी। ये नदी यहाँ से निकलने के बाद इस प्रकार से अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। इसके जो मैदानी भाग है, इसके मैदानी भागों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं के अलावा यहाँ पर मक्का उत्पादन भी होता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, मक्का उत्पादन में पूरे विश्व केंद्रीय क्षेत्र अग्रणी है, मेक्सिको और ये यूएस क्षेत्र है, मक्का उत्पादन में सबसे अग्रणी एरिया आता है ये, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी की बात होगी, तो एक रॉकी पर्वत से और निकलती है नदी जिसका नाम है हडसन नदी। हडसन, देखो हडसन का नाम अपने जीके में तीन तरीके से आता है, एक तो हडसन की खाड़ी है वो पड़ती है यहाँ, हडसन की खाड़ी है कनाडा के ऊपर वाले भाग में, कनाडा और यहाँ ये जो एरिया है ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में
इस खाड़ी को बोलते हैं हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में खाड़ी यही है, और इस खाड़ी में यहाँ की नदी जाए गिर रही है, इसका नाम है हडसन नदी। दो नाम तो ये हो गए, एक तो हडसन की खाड़ी, दूसरा हडसन नदी, और एक हडसन नाम ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। 1857 की क्रांति के अंदर दिल्ली से किडनैप किया था बहादुर शाह जफर को, वो दो व्यक्ति थे, एक का नाम हडसन था, एक का नाम निकलसन था। तो यहाँ भी इस बात को ध्यान रखोगे हडसन का नाम। तो दो नदियाँ कंप्लीट हैं, मिसिसिपी मिसौरी और हडसन। इसमें जो आपका क्वेश्चन आना है वो ये, या तो ये पूछेगा किस पर्वत से निकलती है, रॉकी से निकलती है, किस खाड़ी में जाके गिर रही है, तो आप बताओगे हडसन की खाड़ी में। किस महासागर में हडसन की खाड़ी किस महासागर का अंग है, अंटार्कटिक महासागर का अंग है, ये महासागर बता दोगे। इतनी बात कर ली है, ये बात कंप्लीट। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में क्या पूछे जाएंगे, वो प्रश्न की डायरेक्ट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसमें प्रश्न क्या कहेंगे वो देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर एक शहर है जिसका नाम है ड्रेटायट। ड्रेटायट ये शहर कारों के निर्माण में अग्रणी है, इसलिए इसे बोलते हैं कारों का अजायब घर। कारों का अजायब घर, उत्तरी अमेरिका में कारों का अजायब घर किसे बोलते हैं, ड्रेटायट शहर को बोलते हैं। ठीक है, हो गया। यहां पर एक वुड फेलो के नाम से एक पार्क बना हुआ है, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एरिया या वन्य जीव क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंध रखता है, तो बताओगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा किस महाद्वीप से संबंध रखता है, इसी से रखता है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, 7 सबसे बड़े देश, रुक चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, ये 3 तो आप जरूर क्रम याद रखोगे। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, उसके बाद में चाइना, ये 3 जरूर याद रखोगे। बाकी पिछले वाले पार्ट में पूरा बता रखा है 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से विश्व के अंदर आते हैं, उनमें भी नाम अच्छा रहता है। फिर पूरा इस महाद्वीप के उत्पादन विशेष की बात करें, मेक्सिको देश है ये चांदी के उत्पादन में भी अग्रणी है, ये चांदी के उत्पादन में भी अग्रणी है। ये मेक्सिको क्षेत्र तांबा के उत्पादन में भी अग्रणी है, जैसा कि कनाडा के बारे में आपको ने बताया था। उत्पादन विशेष का इसका नाम इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कागज के बारे में फिर भी नाम आता है, बाकी बड़े स्तर पे यहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं आता। रही बात मरुस्थल वगैरह की, इतने बड़े स्तर पे यहाँ विस्तार नहीं है। अच्छा ठीक है, कनाडा की बात होगी, और इसके बाद यूएसए की बात होगी। यूएसए गेहूं के लिए फेमस हो गया, गेहूं भी होता है, मक्का भी होता है। बाकी नदी विशेष की बात बता दी, और यहाँ के जो मैदान है शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, प्रेरी या प्रेरीज कहा जाता है। यहाँ पर आपको कई प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, कैसे, जैसे आपने कई बार देखते हैं कोई पिक्चर वगैरह के अंदर, जैसे एक मैदान देख रहे हो आप, एक घास का मैदान है, या कोई फसल देख रखी है आपने, फसल आधी पूरी हरी भरी दिख रही है आपको, बीच बीच में क्या छपकेस पड़े होते हैं, इसका कई बीच में येलो कलर होता है वगैरह, मतलब जो बादल तो सर्वाधिक बनते हैं, मानसूनी वगैरह बादल होते हैं, भ्रमण करने वाले बादल, वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में दिखाई देने मिलते हैं, और यहाँ तरह तरह की शेप ले लेते हैं यहाँ पर ये खेत मैदान होते हैं, और इन मैदानों को यहाँ प्रेरी कहा या प्रेरीज कहा जाता है। ये क्षेत्र था एक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र आता है, वो ग्रैंड के बारे में बताया था, ग्रैंड बैंक आता है, वो भी इसके अंदर ही है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी साइड में है, ये पहले वाले पार्ट में पूरा बता रखा है। क्वेश्चन की बात है वो मैं यहाँ पर इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही मत्स्य केंद्र आता है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक, और विश्व का सबसे बड़ा है डागर बैंक, पर ये उत्तरी अमेरिका के अंडर में नहीं आता, डागर बैंक यूरोप महाद्वीप के अंडर में आता है। ये कुछ मुख्य मुख्य तथ्य थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में